जी अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर देखेंगे के काउंट के मुख्तलिफ और फंक्शन कौन कौन से हैं काउंट के और तीन फंक्शन हैं जो हम देखेंगे अगर हम अपने डेटा के अंदर देखना चाहें कितने सेल्स जो हैं वो नॉन ब्लैंक हैं यानी के नॉन एम्प्टी हैं गिनना चाहें तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं काउंट ए इज इक्वल टू काउंट एप दबा देता हूँ कंट्रोल ए अब इसके अंदर मैं रेंज स्पेसिफाई कर देता हूँ मैं एक एक करके भी दे सकता हूँ वैल्यू वन वैल्यू टू लेकिन मैं पूरी रेंज दे देता हूँ ये पूरी रेंज आ गई और मैं ओके okay कर देता हूँ इसका मतलब ये है कि नॉन एम सेल्स जो हैं वो सिक्स हैं टोटल सेवन सेल्स हैं लेकिन नॉन एम जो हैं वो सिक्स हैं उसके बाद अगर मैं काउंट करना चाहूं कि नंबर्स कितने हैं और मतलब कितना नॉन एम नॉन एम नंबर्स हैं तो उसके लिए मैं काउंट इक्वल टू काउंट इक्वल टू काउंट कर देता हूं टैब कंट्रोल ए अब मैं ये रेंज स्पेसिफाई कर देता हूँ और एंटर कर देता हूं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ फाइव जो हैं वो नॉन एम टी यानी कि वो खाली नहीं है एम टी नहीं है नॉन एम टी हैं नंबर्स ये नंबर्स के लिए यूज होता है और ये स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए काउंट यूज होता है अब मैं अगर गिनना चाहता हूँ कि ब्लैंक सेल्स कितने हैं तो उसके लिए मैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक का जो कीवर्ड है वो यूज करता हूँ कंट्रोल ए करता हूँ और अब मैं इसमें रेंज स्पेसिफाई कर देता हूं साल के तौर पर ये है तो मैं ओके okay कर देता हूँ तो टू टू सेल्स एम हैं ब्लैंक हैं ये दोनों सेल्स तो ये चीज मैं एक्सेल 2010 में इन तीन फंक्शन से कर सकता हूँ